हम इंदौर के भैया लोग सब इसको पसंद करते हैं। वही चिकन की ऐसी है जिसका अलग ही मजा पीने के बाद, वाह खूब आनंद। गाइस वेलकम बैक टू इंडियन देसी तड़का। ये है रवि शर्मा, आपके अपने यूट्यूब के पंडित जी। दोस्तों पंडित जी आए हैं इस बारी इंदौर शहर में, जिसे कहा जाता है मिनी मुंबई। दोस्तों यहां पर है सराफा मार्केट। एज यूजुअल हिंदुस्तान में कहीं भी जाएं, सराफा मार्केट में मिलती है आपको खाने पीने की एक से एक टॉप वेराइटी। इस वक्त हम खाने के लिए आए हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं नागौरी सर्व फलाहारी मिष्ठान भंडार, जहाँ का फेमस है शिकंजी। अब आप सोच रहे होंगे शिकंजी, और वह भी मिठाई की दुकान पे। जी हाँ दोस्तों, दो साल पहले मैं यहाँ आया था मेरे दोस्त विवेक मेहता के घर पर, और उन्होंने मुझे ऑफर की मैं आपके लिए शिकंजी लेकर के आ रहा हूँ। सुनने में बड़ा अटपटा लगा, या शिकंजी लेने के लिए बाजार जा रहे हैं? आई थॉट ठीक है, नींबू लेने जा रहे होंगे, नींबू यहाँ घर पर नहीं होंगे। बट जब लेकर के आए आधा घंटे के बाद में, तो मेरे होश उड़ गए। शिकंजी नहीं, वहाँ थी मिठाई, एक रबड़ी, एक दूध का, एक दही का बनावट, बड़ा सारा गिलास डली हुई थी, उसमें खूब सारी केसर, खूब सारी मीठापन उसमें था। जब मैंने उसे पिया, जब मैंने उसे खाया, तो क्या बताऊँ आपको। सो उस वक्त इंडियन देसी तड़का हमारा चैनल ऑन नहीं था। इस बारी आए तो हमला करने जा रहे हैं हम नागौरी की शिकंजी पर। तो आइए चलते हैं मेरे दोस्त के साथ में। मैं मिलाता हूँ आपको विवेक जी से, जिनके घर पर मैं आया था दो साल पहले और शिकंजी मैंने पी थी। आइए हम विवेक भैया के साथ में चलते हैं और शिकंजी का आनंद लेते हैं। चलिए विवेक भैया, आप बता पाएंगे क्या लोकेशन है यहाँ की? हम लोग जब बोरा मार्केट सराफा थाने से सामने की तरफ जैसे ही आएंगे, 8-10 दुकानों के आगे, 8-10 दुकान चल करके आगे चल करके राइट हैंड पर ही सर्व फलाहारी नागौरी शिकंजी। ओके विवेक भैया, ये वाला कौन सा रास्ता है, इधर कौन सा रास्ता था? ये रास्ता गोपाल मंदिर की तरफ जाता है। ओके, ये पूरा सराफा तो एक तरफ से थाना और एक तरफ से गोपाल मंदिर, और इनके एकदम सामने है बढ़त्याजा ज्वेलर, इसके एकदम सामने है नागौरी सर्व फलाहारी मिष्ठान भंडार। तो आइए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, मजे लेते हैं, आनंद लेते हैं इंदौर की शिकंजी के। वैसे शाम को जब यहाँ पर आते हैं तो उस वक्त लगी हुई रहती है यहाँ पर जबरदस्त भीड़। सुबह के वक्त भाई साहब थोड़े फ्री मूड में मिलते हैं और उस वक्त हम शिकंजी के बारे में इनसे जानकारी ले सकते हैं। मिठाई खाने के पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ की शिकंजी वालों से। सर आपका शुभ नाम? विनय नागौरी। विनय नागौरी जी, विनय सर बताएं आपकी शिकंजी के बारे में, कब से आपकी शॉप है यहाँ पर? शॉप तो हो गए होंगे 85 ईयर्स हो गए। 85 ईयर्स, क्या बात है सर। शुरुआत इन्होंने पिताजी ने की थी, दादाजी ने, क्या बात है। तो हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले की शॉप है, और मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके ब्लैक एंड व्हाइट कलर की बहुत पुरानी फोटो, इसमें कौन कौन दिख रहे हैं? इसमें पापा हैं, दादाजी हैं, बुआ जी हैं। अरे वाह क्या बात है, पापा है। अरे वाह 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 क्या बात है। अच्छा सर एक बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा, शिकंजी जबकि आप पिलाते हैं मिठाई, यूजुअली जब शिकंजी का नाम आता है तो इट मींस नींबू की बनी हुई, फिर ये नींबू नहीं है, क्या बात है? अब उसको राजस्थान में यही बोलते हैं, नागौर टाइप, नागौर साइड में यही बोलते हैं। अच्छा आप नागौर के उठे हुए हैं? हाँ। अरे वाह क्या बात है, इसलिए इसका नाम शिकंजी पड़ गया है। उसको यही बोलते हैं, जब इससे ज्यादा तो कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, वहाँ इसको दही की शिकंजी बोलते हैं। चलिए, और इसकी बनाने की क्या प्रक्रिया है कुछ बता पाएंगे? दही को जमा के उसमें पानी निकाल देते हैं, और फिर उसमें शक्कर, केसर, इलायची, किशमिश ये मिक्स करके रात भर ठंडा होने लगता है। ओके, तो इट्स नॉट, मतलब जो श्रीखंड होता है वो नहीं है, ये पहले उसको उतार, उसके पहले उतार लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और एक ग्लास की रेट क्या है अभी? 55 है। 55,
चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हमें विवेक भैया के बारे में बताना चाहूँगा। विवेक भैया एक बहुत ही प्यारे यहाँ के सिंगर हैं। विवेक भैया आपकी जो भजन गायकी है क्या है? मेरी जो भजन गायकी है वो मैं अपने गुरुदेव श्री विनोद अग्रवाल जी से प्रभावित होकर के मैंने भी भजन गाना शुरू किया और आज हरिनाम संकीर्तन प्रचार में लगा हुआ हूँ। विवेक भैया के काफी सारे भजन यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जरूर सुनिए। एक या दो भजन शायद मैं रूट्स ऑफ पुष्कर के ऊपर भी डालने वाला हूँ, उसका लिंक आपको शेयर बहुत जल्द करूंगा, देखिएगा जरूर। अब हम टेस्ट करते हैं और मैं अपने चैनल पे बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि हमारा शिकन जी का एक्सपीरियंस आज का कैसा रहा। साथ में मिलाना चाहूंगा यहाँ के बहुत फेमस पुजारी जी हैं, हनुमान जी की खूब सेवा करते हैं, अंकित भैया। पिछले 2-3 साल पहले जब मैं आया था तो इनसे मुलाकात हुई थी और इन्होंने मुझे शिकन जी से रूबरू कराया था। हालांकि विवेक भैया के घर पर पी थी शिकन जी, पर इन्होंने बताया था जब सारी डिस्कवरी इसकी अंदर की थी। बताइए क्या हालचाल भैया? थैंक यू सो मच, आज हमें आप शिकन जी खिलाने के लिए लेके आए या पिलाने के लिए लेके आए? इसको पीना बोलते हैं या खाना बोलते हैं? इसको पीना बोलते हैं। चलिए आज विवेक भैया के साथ में और अंकित भैया, लकी भैया इनका नाम है और बहुत फेमस इनका हनुमान जी का मंदिर है। अगर आप यहाँ आए तो उन मंदिर के भी दर्शन कीजिएगा। अब हम लगाते हैं तड़का यहाँ की शिकन जी का। हमें 3 शिकंजी देंगे आप? हाँ। ये भी आपको कैसी लगी शिकंजी? शिकंजी का मतलब स्वाद बहुत अद्भुत है, यह खाने से यानी कुछ और पसंद नहीं करता हूँ मैं, शिकंजी ज्यादा पीना पसंद करता हूँ और ये सराफे में बहुत फेमस है, तो ये यानी इसका स्वाद ही कुछ अलग है। इसके खाने के बाद आप कुछ पीना पसंद ही नहीं करोगे। जैसे ये बहुत प्राचीन दुकान है, नागौरी शिकंजी इसका नाम चलता है पूरे इंदौर शहर में। लोग टाइम निकाल के यहाँ पे आके शिकंजी पीते हैं और इसका टाइमिंग भी बहुत कम है, जैसे सुबह 9 बजे खुलती है वो दोपहर में 1 बजे तक ये मंगल भी हो जाती है। और यहाँ पे बहुत कम लोगों को नसीब होता है यहाँ शिकंजी पीना, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट बहुत हार्ड है। क्या बात है भैया, बता रहे हैं यहाँ की शिकंजी पीना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। द रीजन इज सुबह शायद 10-11 बजे सर 10 बजे खुलती है और दिन में 3 बजे या 4 बजे लास्ट, दैट्स ऑल, उसके बाद शॉप क्लोज कर देते हैं। तो ये टाइमिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे खास तीनों पंडितों की शिकंजी आ गई है, नागौरी वाली शिकंजी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हम। तो चलिए, ये तो सब पंडित जी ने पूछ लिया था अलग अलग भाई लोगों से कैसी है शिकंजी, और अब मैं ट्राई करके एज यूजुअल आप सब मेरे एक्सप्रेशन के लिए काफी लालायित रहते हैं, तो अब पंडित जी का एक्सप्रेशन देखिएगा ये शिकंजी पीने के बाद वाला। वास्तव में दही तो है ही, उसके साथ में ढेर सारी केसर की जो मिठास और केसर का जो खुशबू, जो केसर का जो स्वाद है वो इसे बनाता है लाजवाब। तो आइए जरूर और इस इंदौर की शिकंजी, मतलब इंदौर की लस्सी नहीं, इंदौर की शिकंजी, लस्सी या शिकंजी क्या बोलो यार, नहीं शिकंजी, लेकिन भी शिकंजी क्योंकि नाम इसका है शिकंजी। तो नागौरी की शिकंजी पीना ना भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ढेर सारे कमेंट्स आपके पास कीजिएगा। और इंडियन देसी तड़का पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा ताकि पंडित जी के वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं नए तड़के की तलाश पे कुछ और इंदौर की सड़कों पर।